क्लास 8 के स्टूडेंट प्लीज़ लिसन केयरफुली। आज का जो चैप्टर है, आज जो वीडियो में आपको भेजा जाएगा, वो मैकावेटी द मिस्ट्री कैट पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन भेजा जाएगा। तो इसे पढ़ते समय आप अपनी बुक स्वयं खोल लें, ताकि जो वर्ड आपको महीन अक्षर में दिख रहा है उसे साफ साफ दिखाई दे और आप उसको स्पष्ट अर्थ जान सकें। इसकी मीनिंग कल भेज दी गई थी कल की वीडियो में, आज इसका फिर हिंदी देखते हैं। जैसे डू यू हैव ए पेट कैट, क्या आपने कोई बिल्ली पाली है? हैव यू हर नोटिस एनी थिंग्स मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या उसके बारे में कोई रहस्यमय चीज़ें आप ध्यान दिए हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिस्टरी, यह कहना आसान नहीं है कि जहाँ जो भी बिल्ली हो वह रहस्यमय बिल्ली ही हो। बट मैकावेटी इज वन, लेकिन मैकावेटी एक बिल्ली ऐसी है जो रहस्यमय बिल्ली है। फॉर श्योर, निश्चित तौर पर वह रहस्यमय बिल्ली है। व्हाट इज दैट मेक्स हिम परफेक्ट मिस्ट्री कैट, और किस तरह से वह एक पूरी तरह रहस्यमय बिल्ली बन जाती है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, इस कविता को पढ़ते हैं और पता करते हैं। मैकावेटी मिस्ट्री कैट, मैकावेटी एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज कॉल्ड हिडन पॉज, उसको छिपा हुआ पंजा कहते हैं। फॉर ही इज ए मास्टर क्रिमिनल्स हु कैन डिफी द लॉ, वह अपराध करने में दक्ष है जो कानून को तोड़ डालती है। डिफी मतलब होता है विरोध करना, उस कानून का विरोध करती है, नियमों का विरोध करती है। ही इज ए बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, वह स्कॉटलैंड की बेफलमेंट से है। फ्लाइंग एस्क्वाड्स इज डिसपेयर, फ्लाइंग एस्क्वाड का मतलब होता है उड़न दस्ता, ग्रुप ऑफ पुलिस, ग्रुप ऑफ पुलिस यानी उड़न दस्ता भी उससे बिल्कुल उसके कामों से निराश है, क्योंकि वह उसके पकड़ से दूर रहती है। फॉर वेन दे रीच टू सीन ऑफ क्राइम, जब भी अपराध की जगह पर पहुँचते हैं, मैकावेट इज नॉट देयर, मैकावेट बिल्ली वहाँ नहीं मिलती है। मैकावेट मैकावेट, देयर इज नो वन लाइक मैकावेट, हर जगह मैकावेट मैकावेट का ही नाम है और ये बार बार कहा जा रहा है उसके ऐसा कोई नहीं। इज ए ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह मानव की हर कानून को तोड़ डालती है। ही ब्रिक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब है गंभीरता, वह गंभीरता से इस कानून को तोड़ती चली जाती है। हिज पावर ऑफ लेविनेशन, लेविटेट का मतलब होता है हवा में उड़ना या चलना। उड मेक ए फकीर स्टेयर, उसको हवा में उड़ने की जो कला है, जो क्षमता है उसके पास, वह एक फकीर की तरह बन जाता है। जैसे एक फकीर आंखों के सामने से गायब हो जाता है, पता नहीं किधर चला जाता है, इस तरह से वो रहस्यमय बिल्ली है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकावेट इज नॉट देयर, जब तुम उस अपराध की जगह पर पहुंचते हो पता करने के लिए, या पुलिस दस्ता वहां पहुंचती है पता करने के लिए, तो वहां वह नहीं मिलती। यू मे सीक हिम इन बेसमेंट, बेसमेंट मतलब होता है तहखाना, तुम उन्हें तहखाने में ढूंढ सकते हो। यू मे लुक अप इन एयर, हवा में ढूंढ सकते हो, कहीं भी खोज सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं फिर एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, मैकावेट इज नॉट देयर, मैकावेट वहाँ नहीं है। मैकावेट इज जिंगर कैट, जिंगर मतलब होता है हल्का लाल या पीला, तो मैकावेट जिंगर कैट वो हल्के लाल या पीले रंग की है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, लंबी पतली है। यू वुड नो इफ ही यू सा हिम, फॉर हिज आइज आर संकन इन, जब तुम देखोगे तो उसे जानोगे, क्योंकि उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई हैं। संकन मतलब होता है धसा होना। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाट, उसकी भौंहें बिल्कुल सोच से बिल्कुल लाइन बना हुआ है वहाँ पर। हिज हेड इज हाईली डम्ब, और उसका सर आगे की ओर निकला हुआ है। हिज कोट
हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, और नकारात्मकता से पूरी तरह उसका ऊपर वाला आवरण धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर आर अनकम्ब, उसके गलमुच्छे, विस्कर होता है गाल के ऊपर जो मूछ निकला हुआ है ना, गलमुच्छे, वह बाहर की ओर निकला हुआ है और उसमें कंघी नहीं लगा हुआ है, जैसे तैसे बिखरा पड़ा है। ही स्वेज इज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेड मतलब झुमाना, अपने गर्दन को एक साइड से दूसरी साइड की ओर झुमाती हुई चलती है। विथ मोमेंट्स लाइक अ स्नेक, जैसा कि एक सर्प चलता हो। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, और तुम सोचते हो कि अभी वह सोई है, या ऑलवेज वाइड अवेक, तो समझो कि वह पूरी तरह अभी जगी हुई है। माइकावेट माइकावेट देयर इज नो वन लाइक माइकावेट, माइकावेट की जैसा कोई नहीं है, माइकावेट की तरह कोई बिल्ली नहीं है, या उसके समान कोई अपराधी, निपुण अपराधी, दक्ष अपराधी, ऐसा कुछ नहीं है। वह बिल्कुल सबकी आंखों से गायब हो जाती है, देखते देखते वह दूर चली जाती है। फॉर ही इज ए फाइंड एंड फेलिंग, देखो इसमें लिखा है फेलिंग का मतलब होता है संबंधित होना, बिल्ली जैसे, फेन का मतलब डेविल। फॉर फीन एंड फाइल शेप, वह बिल्कुल दैत्य की रूप में एक बिल्ली की आकार ली हुई है। एंड मास्टर ऑफ डिप्रेडी, और अपराध करने में वह बिल्कुल दक्ष है, मॉन्स्टर है, दैत्य की तरह है। यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, तुम गलियों में जहाँ तहाँ उसे मिल सकते हो। बाई स्ट्रीट मतलब छोटी रास्ता, उसे मिल सकते हो। यू मे सी मीन स्क्वायर, तुमने चौराहे पर भी मिल सकते हो, स्क्वायर मतलब चौराहा होता है। बट वेन द क्राइम इज डिस्कवर्ड देन माइकावेट नॉट देयर, लेकिन जब कभी भी अपराध का पता चलता है, अपराध का खोज होता है, अपराध उसका किया हुआ अपराध खोजा जाता है, तो फिर बिल्ली व माइकावेट बिल्ली वहाँ नहीं मिलती है। तो इस तरह से T.S. एलियट की लिखी हुई पोयम, कंपोज्ड पोयम माइकावेट का हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आप इसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन होमवर्क में लिखकर पोस्ट करेंगे।